हैदराबाद को मिली दूसरी हार। वीरेंद्र सहवाग ने बताया उस खिलाड़ी का नाम जो बदल सकता है किस्मत। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 6ठे मैच में विराट कोहली कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत हासिल की है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 6 रनों से हराकर टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं हैदराबाद की टीम के लिए यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी हार थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टीम की दूसरी हार के बाद उस खिलाड़ी का नाम बताया जो शायद टीम की किस्मत बदल सकता है। बुधवार को चेन्नई के एम एच चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रनों का स्कोर खड़ा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने 41 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेलकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कप्तान कोहली ने 33 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से भी कप्तान डेविड वार्नर ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन वह जीत के लिए काफ़ी नहीं था। शहबाज अहमद ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। 20 ओवर में टीम 9 विकेट पर 143 रन ही बना पाई। वीरेंद्र सहवाग ने मैच के बाद एक मज़ेदार ट्वीट किया। शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना के गीत के बोल लिखते हुए उन्होंने केन विलियमसन की फ़ोटो पोस्ट की। इस इशारे का मतलब साफ था कि पहले 2 मैच में प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए गए उस खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के बाद शायद टीम की किस्मत बदल जाए, और वो थी केन विलियमसन की फ़ोटो। पहले मैच में हैदराबाद की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी 10 रन की करीबी हार मिली थी। कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे, जवाब में हैदराबाद की टीम 170 रन की पहुंच पाई। क्या आपको भी लगता है कि केन विलियमसन को इस टीम में खिलाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।